व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इट्स अराउंड 9:30 बज चुके हैं। आज की क्लास कैंसिल हो चुकी थी कोविड के चक्कर में, यू नो। अब मैं आगे का नहीं बताना चाहता जस्ट बिकॉज कि नहीं अच्छा लगेगा बताते हुए। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड स्टार्ट द ब्लॉग। टुडे पूरा घर हमने सेटअप कर दिया। संदीप स्लीपिंग या कंप्यूटर मैंने वहाँ पे सेटअप कर दिया, दैट्स द चेयर विद द पिंक। और अभी यहाँ भी मैं हम लोग ने गद्दे वद्दे ला के डाल दिए। इसके ऊपर की चादर लानी है, वो चादर भी जल्दी लाएंगे। एंड एक और चीज करवानी है घर में, विच इज डिफिकल्ट, कि मैंने हमने बोला मकान मालिक को, तो उसने बोला तुमने ब्रोकर को 500 रुपए दिए थे, हमने बोला यस, तो उसने बोला कि इसको बोलो साफ करेगा। तो ये पीछे का जो ये पूरा है ये गंदा है, और ऊपर शायद तक से वो कबूतर मरा पड़ा है, गंदी आवाज आ रही है, मतलब इतनी अंदर तक नहीं आ रही, बाहर खुला है इसके लिए, बाहर से आवाज आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत गंदा सा नहीं लग रहा। चलो चलता हूँ मेन इंग्रेडिएंट लेके ना, दूध या तो फिर कुछ लेके आता हूँ, देखता हूँ खाने के लिए। संदीप चाय पिएगा क्या? तो ठीक है, सो रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा। देखता हूँ फिर भी दूध ले आता हूँ, उठेगा तो उसके लिए चाय होगा। ये कोट्स है, अरे मैंने एक भी, बट वो जो लड़कियाँ पहले रहती थी उन्होंने यहाँ पे सब लिख के रखा है। दूध की थैली है कितने कितने वाली? 28 वाली और 26 वाली एक दूध की थैली दे दो। ठंडे ठंडा वाला दूध अमूल कूल नहीं है? इलायची और बादाम। इलायची बस दे दो, कितना हुआ? दोपहर हो चुकी है, बैठे रहते थे मैं और संदीप आराम से गाने ने सुन रहे थे। संदीप बोलता कि भाई बहुत गर्मी लग रही है, मैंने तो क्या करें अब, तो कहता है कौन लिया, तो संदीप अभी कौन लेके आया। मैं सोचा कि खाने के बाद खाएंगे, बट वी डोंट हैव फ्रिज, तो अभी खा लेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। खाना हमारा यूजुअली 1 बजे आता है, बस वो निकला हुआ ऑन इज वे, 1 बजने वाला है। तो अब जाके हमारा खाना आया, क्या है खाने में संदीप खोल के देखो। एक डब्बे में वो रोटी भेज देता है, क्योंकि रोटी का ना अलग से डब्बा नहीं रखता, क्योंकि उनको पता है कि 2 जन का साथ में आने वाला है। और 2 अलग अलग सब्जी डब्बे के, अलग अलग डब्बे भेज देता है सब्जी के। ये शायद तक तो कौन सी है सब्जी? बैंगन आलू। बैंगन आलू की सब्जी है, लेट्स सी। कल रात को कोफ्ते थे भाई, बहुत मजा आ गया था खाने में, और उसके साथ वो भाई 4 छाछ भी लाया, तो मजा आएगा। संदीप पीछे पिक्चर देख रहा है, बट शाम का टाइम हो चुका है, एंड 1 से लेकर 5 बजे तक जो मैं सोया हूँ, लिटरली मजा आ रही है सोने में। बिकॉज अंदर की तरफ माहौल इतना गर्म नहीं है, थोड़ा अंधेरे वाला है, बट नींद आती मजा आने की। अंधेरे में बंदे वो लगाते हैं ब्लाइंड फोल्ड, लगाते क्या कहते हैं सोने वाला, स्लीपिंग क्या कहते हैं उसको, वो वाला काला वाला, वो मैं भी लाने वाला हूँ एक। और जब सुबह सुबह होती है ना, तो किचन से इतनी तेज रोशनी आती है, नींद ऐसे ही खुल जाती है, आंखों पर रोशनी पड़ पड़ के। तो आई नीड टू ब्रिंग दैट। एंड जो मैंने बोला था कि ये पीछे का कचरा वचरा साफ कराना है, हमने ओनर को बताया था, तो उन्होंने बोला, ब्रोकर से बात करो, ब्रोकर ने बोला कि कल सुबह मासी को लेके आऊंगा, तो ये पीछे का पूरा साफ करवा दूंगा। और जहाँ तक रही ट्यूबलाइट्स की बात या लाइट्स की बात, तो उसने बोला कि भाई अभी तो कोई दुकान वकान तो खुली नहीं है, कोई दुकान वकान खुली होगी तो तुमको ला के दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वैसे भी कोरोना में कहाँ आप लोग आ गया, रूम में वैसे भी लाइट है, पीछे रूम में खाली हम सोने जाते हैं, दैट्स द थिंग। और कल का जो बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी पेन इन द सेंस कि जो सामान उठा उठा के इतनी देर इतना टाइम में मजदूरी जैसा काम कर रहा है भाई, जो बॉडी दुख रही है, मेरे बैक बहुत खराब तरीके से दुख रही है, इसके लिए जो है सोने में भी मजा आ रही है, एंड बट पेन भी नहीं हो जाएगा ठीक। सो मी एंड संदीप केम आउट हियर, जरा बाहर घुमाते हैं, तो कह रहा था कुरकुरा खाने, तो कुरकुरा खा रहा है। आई एम हैविंग वन माजा हियर, जरा मुँह ठंडा ठंडा करने के लिए, गर्मी का काफ़ी है भाई। यहाँ वैक्सीनेशन की प्रोसेस चलो, मैं हमारी सोसाइटी के बाजू में एक गार्डन है वहीं पे, तो बट वहीं से दूर आए हैं थोड़ा बड़ा, तो शाम को है 5:30 हुए हैं, बट धूप काफ़ी अभी गर्मी की, नो भड़ास से निकल रही है जमीन से, ऐसा फील हो रहा है पूरा लिटरली। केम टू द न्यू हाउस, ये रूम में भी एक वाइन लगी हुई, ऑब्वियसली 4-5 दिन से एक दिन से खाली पड़ा है, और आवाज़ें गूंज रही हैं। यहाँ हम लोग आए थे, संदीप को कुछ लेना भी था, सामान ऑन करा, घर पे थोड़ा सामान ऑन भूल गया है, उन्हें नीचे पैर पोछने के लिए होता है वो भूल गया है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसे, बट हाँ वो बोल गया। लाइट बिल भी देना था, तो लाइट बिल भी बाजू को दे दिया, तो जो नीचे बंदे रहते थे फैमिली रहती थी उनको दे देगा, बस वो लोग ही भर रहे हैं, और हमने यूनिट अपना डिवाइड कर लिया था जितना मिलना हुआ था। गोकुल के कपड़े लेके आया, गोकुल हम डालने के लिए कुछ मिला नहीं, गोकुल के कपड़े ऐसे पड़े, तो उसने बोला दोपहर को मेरे को फोन आया था, कहता भाई कपड़े ले लियो जाते जाते, मैं ठीक है तेरे कपड़े ले लेंगे, तो उसके कपड़े लेके आए। और संदीप को भी थोड़ा बहुत सामान लेना, घर की ग्रोसरी व्रोसरी, तो दूध वूध और जो भी खाने के नेसेसरी थिंग्स, कल जाने वाला बाय द वे संदीप, तो आई विल बी अलोन हियर फॉर सम व्हाइल, उसके बाद जब इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा तो जाके मैं फिर चले जाऊंगा वहाँ पे। बस पंकज ने बोला आइयो, 3 वीडियो टॉपिक लिख के रखा है कि फुटेज शूट करेंगे, तो ले जाइए उसको, धीरे धीरे एडिट करके डालता रहियो। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। हाँ तो रात हो चुकी है, पीछे का सेटअप लग रहा है सेक्सी, ऊपर से लाइट बना रही है उसको और सेक्सी, क्योंकि ये लाइट ऐसी लगती है कि जैसे हम बैठे हो एकदम US स्टाइल की लाइट है, जैसे एकदम बॉम्ब सी लाइट है। इसके लिए मैंने सोचा कि यहीं पे आज ब्लॉगिंग करता हूँ। खाना वाला खाना देखिए, आज पूरी और सोले थे मैंने और संदीप ने, सोचा था कि हम खाएंगे राइस लाइक एग राइस और समथिंग लाइक दैट, बट फिर आखिर में आके फाइनल ये हुआ कि चलो भाई छोले पूरी बनी है, तो छोले पूरी बना के खाएंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सब
सपनों को मेरे लगा।